सलमान खान ने बढ़वा दी कई सितारों की सैलरी। सलमान ने बगैर कहे बढ़वा दिया कई एक्टर का चार्ज। इस वीडियो में आपको बताएंगे सलमान खान किस तरह न सिर्फ सितारों को लॉन्च करते हैं बल्कि उनकी फीस बढ़वाने में भी आगे रहते हैं। कटरीना कैफ ने जब सलमान खान के साथ एक था टाइगर फिल्म की तो उनकी फीस 8 करोड़ के आसपास थी, लेकिन जब उन्होंने भारत फिल्म की तो सलमान उन पर मेहरबान हो गए। सलमान ने बिना बताए कटरीना कैफ की 1.5 गुना फीस कर दी और उन्हें भारत फिल्म के लिए 12 करोड़ रुपए दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका के फिल्म से अलग होने के बाद कटरीना कैफ बगैर फीस फिक्स किए ही राजी हो गई थीं। ऐसे में सलमान को कटरीना का ये दिलदार तरीका बेहद पसंद आया और इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया जितनी फीस प्रियंका को दी जानी थी उतनी ही फीस फिल्म के लिए कटरीना कैफ को दी जाएगी। पूजा हेगड़े सलमान खान के लिए एकदम नई हीरोइन है, मगर इस हीरोइन की फीस पर भी सलमान खान को तरस आ गया और उसे 2 गुना बढ़ा दिया गया। पूजा हेगड़े को हाउसफुल 4 मूवी के लिए 2 करोड़ की फीस मिली थी, लेकिन सलमान के साथ एंट्री मिली तो उसे 4 करोड़ कर दिया गया। बताया जाता है कि सलमान खान नई हीरोइन की तलाश में थे और जब पूजा हेगड़े को फाइनल किया गया तो उन्होंने मेकर से डिमांड कर दी। साजिद नाडियाड बालान ने इस सिलसिले में सलमान खान से संपर्क किया, पूजा हेगड़े की फीस के बारे में बताया तो बिना देरी किए सलमान ने मुहर लगा दी और किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई गई। जैकलिन फर्नांडिस से सलमान खान की दूरियां छिपी नहीं। सलमान इस हीरोइन की फीस को लेकर भी चर्चा में रह चुके हैं। रेस 3 फिल्म के लिए जैकलिन फर्नांडिस को 8 करोड़ की फीस दी गई। ये वही जैकलिन है जिन्हें किक फिल्म के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए ही दिए गए और इसके बाद उन्होंने कई फ्लॉप फिल्में की, मगर फिर भी सलमान खान उन पर अपनी नजरें इनायत करते रहे। फीस के मामले में सलमान ने उनको खूब सपोर्ट किया। रेस 3 को बॉबी देओल की कमबैक फिल्म कहा जाता है। सलमान ने इसके लिए उन्हें द मेन मैन का टैग दिया। बॉबी देओल इस फिल्म अपने रोल के साथ साथ फीस के लिए भी सुर्खियों में रही। पर्दे पर वापसी करने वाले बॉबी देओल को रेस 3 के लिए 7.5 करोड़ रुपए दिए गए और ये रकम सलमान खान के कहने पर उन्हें मिली। माना जाता है कि ये फीस बॉबी देओल के हिसाब से काफी ज्यादा थी, लेकिन सलमान जैसे स्टार बनाने की सोच लाएं फिर उसके रास्ते में उस वक्त कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। टीवी एक्टर सिद्धार्थ निगम की फीस भी सलमान खान ने बढ़वा दी और ये तब की बात है जब वो सलमान के साथ काम नहीं किए थे। सिद्धार्थ निगम ने एक इंटरव्यू में कहा, सलमान खान ने मेरी सैलरी पूछी थी और जब मैंने बताया तो वो चौंक गए थे। इसके बाद सलमान खान ने किसी से बात की थी और फिर मेरी सैलरी में इजाफा हो गया था। खुलासा ये हुआ है कि सलमान की तब सिद्धार्थ निगम से जिम में ही मुलाकात हुई थी और तब वो अशोका के लिए काम कर रही थी। जाहिर है सुपरस्टार सलमान खान ने इंडस्ट्री में ऐसे तमाम लोगों की मदद की है जो आज फिल्मी दुनिया के नामी सितारे हैं। सलमान खान की इस मदद पर दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।